हेलो पाइसिस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी, यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है गाइस, ओके, जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। द लवर का कार्ड आया है हेल्थ के लिए, द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर करियर के लिए, फाइनल आउटपुट द टावर। पाइसिस, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। यहाँ पर द लवर का कार्ड आया है हेल्थ के लिए। आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल कम आ रही है आपकी, ओके, जैसे प्रेशर आ रहा है हार्ट चक्रा पर, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें करनी पड़ रही है जो बातें आपको पसंद नहीं है या आपके लिए बहुत टफ लग रही है, और उसके वजह से आप ना बहुत फियर महसूस कर रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा फियर महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है इतना टफ कैसे होगा, क्या होगा, एक प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, माइंड के ऊपर। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ओके। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार, द एम्प्रेस। आप ना बहुत ही ज्यादा लवेबल पर्सन हो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप फ्यूचर देखना चाहते हो, आप ना हर किसी को हेल्प करना पसंद करते हो, बट जब आपके साथ में कुछ रॉन्ग हो जाता है, जब आपको एक रॉन्ग वे से देखा जाता है, तब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है और तब आपको वो टफ लगता है, वो चैलेंज आपको टफ लगता है और आप उसको झेल नहीं पाते हो, ओके। और आप यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आप ना पॉजिटिव सोचते हो, बट फिर भी जैसे आप बहुत ज़्यादा लवेबल हो, आप ट्रस्ट वर्थी हो, आपके ऊपर ट्रस्ट कोई रखता है और आपको कुछ आपको कुछ कोई दे देता है, कुछ काम दे देता है या कुछ हो जाता है, या आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव रख देते हो, तो आपको वो टफ लग जाता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आपको ना प्रेशर आ जाता है वो चीज़ का, आपको एकदम पैनिक हो जाते हो आप। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, आपको वो चीज एक अपना कंपटीशन में ले लेते हो वो चीज, या ऐसा कुछ हो जाता है और उसके वजह से ना आप हेल्थ में ना बहुत ही एकदम से हर्ट हो जाते हो, या आप एकदम से ऐसे शांत हो जाते हो और आपको आपको समझ में नहीं आता है कि आप उस पर्सन के लिए या उसके लिए क्या करें। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, आपके करियर में द डेविल का कार्ड आया है। समबडी आपको बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बॉसिंग कर रहे हैं और इसके वजह से आप ना यहाँ पर कंफ्यूज हो और आपको समझ। थ्री ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है, थैंक यू सो मच। द फूल, आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हो, इस जॉब से, जो करियर में है, जिसमें भी हो, आप वहां से निकलना चाहते हो। आपको यहाँ पर नहीं रहना है, आपकी एनर्जी यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आपको ना बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी, जो भी कम्युनिटी है, जो भी होगा, जो भी आपके कलीग्स होंगे या कुछ भी सीनियर बॉस जो भी होगा, वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं जहाँ पर भी आप वर्किंग कर रहे हो, ओके। आपसे रिलेटेड ले लेना, आप कुछ भी जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, आपको करियर में वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ दे जा रही है और आपको ये बस यहाँ पर एंड करना है, ये जो भी है आपको यहाँ पर फिनिश करना है और आपको आगे निकलना है, आप नहीं चाहते हो, इसलिए यहाँ पर है ना ये एनर्जी आ रही है। कार्ड्स पॉजिटिव है, कार्ड्स पॉजिटिव है, बट यहाँ पर क्यों यहाँ पर प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आप ना उनको ना ही नहीं कर पा रहे हो, आप नो बोल ही नहीं पा रहे हो और आपको ना ऐसा टफ लग रहा है वो काम करने के लिए या उनको आंसर देने के लिए, और आप ना किसी को भी हेल्प कर लेते हो, यही आ रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पर गिर रहा है और वो करियर में आपको यहाँ पर ये हो रहा है। यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो वो सब, वो चेंज करना चाहते हो। द फूल का कार्ड, यस, आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करना, आप निकलना चाहते हो यहाँ से, निकल जाओ, निकलना चाहते हो तो, ओके, आपके पास में ऑप्शन आता है करियर का, क्योंकि आपके हाथ में, आपका करियर आपके हाथ में है, आपका जीवन
आपके हाथ में आपकी अपॉर्चुनिटी, यस यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की पर एनर्जी आई है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी मोमेंट होगी, ओके बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपके लिए आपके जीवन का, क्योंकि यहाँ पर द टावर, क्योंकि आपके हाई एम्बिशंस हैं, आप जो सोचते हो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपके करियर में, आपको वो नहीं मिल रहा है, आपको नहीं वो लोग नहीं समझ रहे आपको, आपका यहाँ पर जैसे मिसयूज कर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मिसयूज हो रहा है, ओके आपके टैलेंट का मिसयूज किया जा रहा है और वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। आपको यहाँ पर ये वो लोगों को छोड़कर, जो भी फील्ड है वो छोड़कर, जो भी कंपनी या कुछ भी हो, आई डोंट नो, जो भी होगा वहां पर, वहां से छोड़कर आपको स्ट्रेंथ बनाते हुए आगे निकलना है। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वंड्स, यस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब बहुत ही यानी बहुत ही यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई, बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही हेल्पिंग नेचर के यहाँ पर नजर आ रहे हो, और इसके वजह से स्टक हो जाते हो, आपने किसी को ना कह ही नहीं सकते, नो हैंग हो जाते हो, अभी क्या आंसर दे, क्या करे, ओके दिखाते हो तो बहुत मैच्योर्ड हो कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, बट आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो और वो थर्ड पार्टी की आपको बहुत तकलीफ होती है, ओके तो आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल कर किंग ऑफ कप सॉर्ड्स की एनर्जी में, जो किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा पर्सन रहता है कि जो अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखता है, अपना डिसीजन प्रॉपर लेता है, एवरीथिंग, ओके आपको ऐसे एनर्जी में आना है, ना कि आपको हर बार क्वीन कप्स की एनर्जी में नहीं बैठना है, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर एस ऑफ वंड्स की एनर्जी में आ रहे हो आप आगे, यहाँ पर आप एस ऑफ वंड्स की एनर्जी में ऐसा आ रहे हो कि यस आप करियर ओरिएंटेड बनना चाहते हो, और आपके इमोशंस को आप अभी बैलेंस करोगे, आपको डिवाइन या कुछ भी, क्योंकि आपके इसमें ये हो रहा है कि आप ये डिसीजन लोगे, ये स्ट्रेंथ बनाओगे कि आपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, अभी सबके जो भी चेंज करोगे, आप जो जॉब चेंज करोगे, आपका एरिया जो भी आप चेंज करोगे, तो वहां पर ना आप इमोशंस को कंट्रोल करके आप ना फोकस करोगे अपने करियर पर, जो काम है बस वो काम, दैट्स इट, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ बनाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ओके बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आपको कोई भी हेल्प कर दो वो आप करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर द एम्प्रेस, वहां पर पहले भी आया था द एम्प्रेस, द एम्प्रेस की एनर्जी दैट मीन्स मदर की एनर्जी, ओके जो मदर रहती है ना, मदर कैसे रहती है कि वो प्यार से सबको सब कुछ बताती है या सब कुछ देती है, ग्रोथ के लिए सब कुछ बताती है। आपको मैंने कहा आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, क्लियर कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते क्लियर, तो आप ओपन कीजिए, सेवन चक्रास की भी हीलिंग ले सकते हैं। आपको छोटे छोटे सेलिब्रेशंस आपके जीवन में आने वाले हैं, चाहे छोटे हो जो भी हो आप, ठीक है। आपको मैनिपुलेट बहुत किया था, आपको टॉर्चर बहुत किया है, आपको आपको फाइनेंशियली भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिया है, ओके यानी जो आप काम करते हो उतना रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिला, उतनी सैलरी आपको नहीं मिली, यहाँ पर आप लो फील कर रहे हो बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर से यहाँ से निकलना चाहते हो आप नहीं फॉलो करना चाहते हो लोगों को, ओके निकल रहे हो यहाँ से, ओके पूरी कंफ्लिक्ट की एनर्जी है, ओके फिर से देव एम्प्रेस का आया है, यस आप यही हो रहा है कि आप बहुत लविंग पर्सन हो और उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज मिस यूज कर रहे हैं आपके टैलेंट का। तो यहाँ पर किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी, यस आपको आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एनर्जेटिक रहना है, अच्छा फील करना है, अपने 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 हुनर को लोगों को दिखाना है, सबसे बातें करना है, आपका सब कुछ क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, और बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी आपको इनर स्ट्रेंथ, इनर वर्क, सेल्फ लव करना है, ठीक है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आप में कॉन्फिडेंस लो है क्योंकि आप लवेबल पर्सन हो, इसलिए ना ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है आपका कि किसी के साथ किसी को ना कैसे कह दे, किसी को किसी का काम कैसे ना करे, क्यों ना करे, क्या ना करे, ऐसा बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और इसलिए आप वो कर लेते हैं और आपको टफ लगता है कि क्या इच्छा नहीं होने के बाद में भी आपको करना पड़ता है। तो गाइज आप फ्यूचर की तरफ देखिए, आपका ब्राइट फ्यूचर है और यहाँ पर आप
प्लीज कन्वर्ट एनर्जी चेंज कीजिए, ओके खुद को चेंज कीजिए, कुछ तो भी ट्रांसफर कीजिए खुद को, ओके स्टाइल चेंज कीजिए, समथिंग कुछ तो भी चेंज कर दीजिए, ओके जिसकी वजह से आप बोल्ड लगोगे और बोल्ड रहना है आपको। तो जिनसे भी रेजोनेट होता है प्लीज लाइक जरूर कर देना है। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।